दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करने का बटन वीडियो नीचे लाल अक्षर में लिखा हुआ है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ दूध भैंस का दूध बढ़ाने का बढ़िया तरीका। ये है दोस्तों सरसों का तेल। ये भैंस को कितनी देनी है अपने हिसाब से देनी है। ज़्यादा दे सकते हैं गर्मियों में, सर्दियों में कम देनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में क्योंकि ठंडी होती है तो इसलिए कम डाल सकते हैं। सर्दियों में जितनी चाहे भैंस को दे सकते हैं। मैं अभी चार भैंसों के लिए ले रहा हूँ कल, और फिर इसको भिगोने के बाद दिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखें दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें। ये देखिए, ये लगभग मैंने 3 किलो कल चार भैंसों के लिए लिया। इसे मैं पानी में भिगो के रख लूँगा, जब अच्छी तरह भीग जाएगी तब इसके अंदर और भी डालना है कुछ, जिसे भैंसें तंदुरुस्त रहती हैं। भैंसों की डीड वगैरह नहीं आती है, आँखें नहीं रुकती हैं। मैं इसे भी करीब 2-3 घंटों के लिए भिगो देता हूँ। 2-3 घंटों में ये 3 घंटों करीब बिल्कुल बढ़िया तरीके से भीग जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, 3 घंटे बाद खल अच्छी तरह से भीग चुकी है। इसे अपने हिसाब से पतली कर सकते हैं, जितनी पतली भैंस खाती हो उसी हिसाब से डालनी चाहिए। अब इसके अंदर हम नमक डालते हैं। नमक मोटा भी ले सकते हैं, बारीक भी। ये करीब 1/2 किलो नमक है दोस्तों, ये बारीक नमक है। अब हम इसे मोटा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोटे नमक में बदरी वगैरह आती है, मिट्टी आती है, तो उसे भिगो कर ही डालें। ये बारीक नमक इसलिए मैंने सीधा ही डाल दिया। नमक डालने के बाद अब इसे मिक्स कर देते हैं, अच्छी तरह से मिक्स करना दोस्तों। नमक से भैंसों की आँख नहीं दुखती, डेट वगैरह नहीं आती, हाजमा सही रहता है। जो भैंस कम खाती है उसके लिए भी नमक बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। घास अच्छी तरह से नहीं खाती काफ़ी भैंसें, हरा चारा नहीं खाती हो तो उसे थोड़ा नमक दे। ऐसे सरसों खल में, बिना खल में, जैसे भी वो नमक खाती हो, नमक जरूर दें तो उससे हाजमा सही सही रहता है भैंस का। भैंस या गाय वो दे सकते हैं दोस्तों। जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पूरा देखें। वीडियो लाइक से शेयर करना ना भूलें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसमें भैंसों का घास भिगो देना है। इससे भैंसें बिल्कुल अच्छी तरह खाएंगी। इसको पराठा लगाना है तब इसे बढ़िया तरीके से खाने के बाद संतुष्ट हो जाएंगी और स्वस्थ रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।